यदि आप हाई राइज में फ्लैट ढूंढ रहे थे तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये देखिए तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है कि किस तरीके से आपका जो है अपार्टमेंट बनके तैयार होगा, रेडी होगा, उसका एमिनिटीज़ कैसा होगा और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाला है और उसका जो आपका अपार्टमेंट होगा उसका कनेक्टिविटी किस तरीके से है। ये है मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे अपकमिंग मेट्रो स्टेशन जो कि चालू अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। और इस साइड देख रहे हैं नोवोटेल होटल, इस साइड आपका डाइनिंग स्पेस होगा और इस साइड आपका लिविंग स्पेस होने वाला है। कुछ इस तरीके से आपका विंडो का डायरेक्शन रहेगा और इस साइड आपका जो है डाइनिंग स्पेस के साथ साथ बालकनी होने वाला है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस साइड से ओपन रहेगा। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे, यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम आपके लिए लग्जरियस 3 BHK 4 BHK फ्लैट है जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब का आपका अपार्टमेंट होने वाला है। ये देखिए एकदम प्राइम लोकेशन पे, जो बोलते हैं ना प्राइम लोकेशन किसे कहा जाता है, हम आपको बताते हैं कि प्राइम लोकेशन किसे कहा जाता है। न्यू टाउन सबसे बढ़िया, कोलकाता में वेल कनेक्टेड सबसे बढ़िया जो इलाका होने वाला है न्यू टाउन। यदि आप हाई राइज में फ्लैट ढूंढ रहे थे तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये देखिए तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है, आपका हैंडओवर जो है 2026 तक कर दिया जाएगा। अभी बुकिंग करते हैं तो ये रेडी टू मूव नहीं है, इसका याद रखिएगा। जो भी फ्लैट दिखाते हैं सबसे पहले हम सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं ताकि आपका जो वर्चुअल साइट विजिट जा के देखते हैं आपका समय बचे और आप एक बढ़िया सा प्रॉपर्टी अपने लिए ढूंढ पाए। ना तो कोई ब्रोकरेज लगता है हमारे चैनल पे कोई भी साइट देखने के लिए, ना तो किसी तरीके का आपका कमीशन लगने वाला है। तो आप डायरेक्टली हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे और कोई भी चार्जेस भी किसी को पे नहीं करना है। आप यहाँ पे आइए और न्यू टाउन में इससे बढ़िया बढ़िया अपार्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है सबसे ज़्यादा। ये देखिए ये है मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे अपकमिंग मेट्रो स्टेशन जो कि चालू अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। और इस साइड देख रहे हैं नोवोटेल होटल, नोवोटेल होटल है और यहाँ इस साइड ठीक अपार्टमेंट के उल्टा साइड आपका मिराज सिनेमा मिल जाएगा जो कि न्यू टाउन है। तो यहाँ पे आपको जिस चीज़ के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, लोकेलिटी में किस तरीके का क्या चाहिए, हर एक चीज़ आपको मिलने वाला है। रहने के लिए जो जो सुविधा आपको चाहिए लग्जरियस के साथ हर एक सुविधा आपको 360 आपको मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट का जो लैंड एरिया है 6.29 एकड़ का ये लैंड एरिया में बनने जा रहा है, बन चुका है ऑलरेडी इतना सारा बन, मतलब ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है 6.29 एकड़ का लैंड एरिया में ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसमें हर तरह का एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ 40 से भी ज़्यादा आपको एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगा और बहुत सारा ओपन स्पेस, लगभग 87% आपको ओपन स्पेस मिलेगा और बाकी आपको जो है 13% के आसपास में कंस्ट्रक्शन एरिया आपको बनने वाला है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, पूरा ग्रीनरी से भरा होगा, लग्जरियस से भरा होगा। इस तरीके का यदि अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे तो सबसे बढ़िया अपार्टमेंट ये होने वाला है। अंदर लिए चलते हैं आपको, हर एक जानकारी आपको बताते हैं किस तरह से क्या होने वाला है, लोकेलिटी कैसा है और इसमें आपका एमिनिटीज़ किस तरीके से मिलने वाला है। मेरे पास मॉडल अपार्टमेंट भी है तो मॉडल अपार्टमेंट भी आपको दिखाने वाले हैं। अंदर चलिए, आपको मॉडल अपार्टमेंट 3 BHK 4 BHK दोनों तरीके से है वो भी दिखाते हैं। जो हम आपको 4 BHK दिखाने वाले हैं, सबसे बड़ा वाला 4 BHK दिखाने वाले हैं जो कि 2987 का है, लेकिन जो यहाँ पे 4 BHK स्टार्टिंग होता है 2581 है, मतलब 2581 स्क्वायर फीट का आपका 4 BHK स्टार्टिंग हो जाता है। ये वाला जो है सबसे बड़ा वाला अभी जो है हम लोगों के पास अभी दिखाने के लिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो यहाँ पे आपका एक बिग साइज का डोर मिलेगा, डोर से आप डायरेक्टली इंटर करेंगे, तो दरवाजे से आप डायरेक्टली इंटर करेंगे तो आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया बहुत ही स्पेसियस मिलने वाला है। या सब जो 2581 स्क्वायर फीट का है उसमें भी आपको बहुत ही बड़ा आपको जो है लिविंग कम डाइनिंग एरिया स्पेसियस आपको मिल जाएगा। इस साइड आपका डाइनिंग स्पेस होगा और इस साइड आपका लिविंग स्पेस होने वाला है। कुछ इस तरीके से आपका विंडो का डायरेक्शन रहेगा और इस साइड आपका जो है डाइनिंग स्पेस के साथ साथ बालकनी होने वाला है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस साइड से ओपन रहेगा। ये जो 4 BHK का टावर होने वाला है इस पे एक फ्लोर पे 3 फ्लैट होने वाली है। तो यदि ये टोटल 4 BHK का है तो टोटल 4 BHK का ही रहेगा, कोई
2581 स्क्वायर फीट का रहेगा, तो कोई 2800 स्क्वायर फीट का रहेगा, मतलब तीनों तीन तरह का आपको मिलेगा। लेकिन 4 BHK का ही ये पूरा टावर है, पूरा का पूरा टावर में आपको केवल 4 BHK मिलेगा। यदि 3 BHK वाला टावर है तो उसमें केवल 3 BHK मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा आपको डुप्लेक्स जैसा फीलिंग देगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये फ्लैट है। देखिए उस साइड आपका एक स्टेयर करके थोड़ा स्टेप ऊपर जाता है और वहाँ से आपका जो बाकी का एरिया हम आपको दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया इस साइड हो जा रहा है, लिविंग एरिया उस साइड हो जा रहा है, सब सेपरेट। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। इधर आपका डाइनिंग एरिया होगा तो लिविंग कम एरिया उस साइड हो जाएगा, बालकनी इस साइड हो जाएगा, तो सब अलग अलग है। किचन जो है आपका कुछ इस तरीके से स्पेसियस किचन। यदि आपका ये जो अपार्टमेंट फ्लैट है, ये जो फ्लैट है आपका पूरी तरीके से इंटीरियर हो जाए तो इसका लुक ही अलग हो जाएगा। जैसा देख रहे हैं वैसा ही आपको मिलने वाला है, एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे जो है कि इस तरीके से आपका डिज़ाइन हो जाएगा, जो कि बालकनी के तौर पे यहाँ पे ये यूटिलिटी स्पेस है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख के कपड़ों का धुलाई कर सकते हैं। तो ये 4 BHK में ये जो किचन है, किचन के साथ आपका एक यूटिलिटी स्पेस अलग से मिलता है, जिससे कि आपका वॉशिंग वगैरह करने के लिए अलग से स्पेस आपका हो जाता है। ये आपका जो है जितना स्विचेस चाहिए आपको, हर एक एरिया में आपको स्विचेस मिल जाएगा, उसके बाद भी इसका स्पेसियस मतलब किचन हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये कॉमन वॉशरूम होने वाला है। इस साइड आपका एक कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा, जो कि ये एक अटैच भी है, कॉमन भी है। तो ये क्या है कि इस बेडरूम से भी एक्सेस किया जा सकता है, ये वॉशरूम ऐसा है कि इस बेडरूम से भी एक्सेस किया जा सकता है और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम भी एक्सेस किया जा सकता है। मान लीजिए इस साइड है तो कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि मान लीजिए कोई इधर से कॉमन वॉशरूम यूज कर रहा है तो उधर से डायरेक्टली इंटर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपका डोर लॉक कर सकते हैं, लॉक कर देंगे तो उधर से इधर नहीं आएंगे। बट अगर जो नहीं यूज हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कॉमन वॉशरूम जैसा ही किया जा सकता है। इस तरह का ये पहला वॉशरूम है, और भी वॉशरूम है हम आपको दिखाने वाले हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर एक जानकारी आपको मिल पाएगा। स्टेयर से आप बालकनी है, बाकी का जो बेडरूम है उसमें भी जा सकते हैं स्टेयर्स के जरिए। छोटा सा स्टेयर से, बेबी स्टेयर से 5 स्टेप लेके जा सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में हमने बताया कि एक बेडरूम हो जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ आप चाहे तो मल्टीपर्पज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल आप किड्स रूम, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, किड्स रूम, आप अपने तरीके से जो चाहे इस रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका। तो अभी आपने देखा राइट साइड में एक बेडरूम, फिर इसके साथ लेफ्ट साइड में एक बेडरूम है और ये लॉबी एक दूसरे को कनेक्ट करता है हर बेडरूम को। तो ये देखिए ये बेडरूम है जिसका साइज आप समझ सकते हैं, 11x11, 12x11, जो एक यूजुअल जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपको हर रूम का साइज आपको एक यूनिक नीड के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, जो कि हमेशा नीड होता है, जैसा जिस रूम का नीड होता है वैसा आपका डिज़ाइन मिल जाता है। एक विंडो मिल जाता है और आपको जो स्विचेस जितना चाहिए उतना स्विचेस आपको मिल जाता है। तो इसका भी इनफ इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बढ़िया पॉइंट है ये, यही जो फीलिंग है टूप्लेक्स जैसा देता है। और ये तो अभी फील आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपका ये पूरा टोटल यदि आपका इंटीरियर हो जाएगा तो इसका लुक जो है पूरा ही बदल जाने वाला है। अभी एक भी हमारे पास अपार्टमेंट इंटीरियर वाला नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते किस तरीके से इसका जो है लुक चेंज होता है इंटीरियर में। ऊपर आप देखिए फायर सेफ्टी के लिए हर रूम में आपका व्यवस्था है, तो यदि आपका किसी केस में आपको फायर सेफ्टी का नीड होता है तो अभी क्या है कि हर एक जो हाई रेज सोसाइटी है उसमें हर तरीके से फायर सेफ्टी का हर बंदोबस्त किया जाता है, हर फ्लोर में, चाहे वो लॉबी हो, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे किसी भी तरीके से कहीं भी हो, तो फायर सेफ्टी का पूरा हर बेडरूम में आपका बंदोबस्त रहता है। तो उसका आप निश्चिंत रहिए, वो सेफ फील करेंगे। ये देखिए आप इधर देख पा रहे हैं कि ये बेडरूम कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इतना आपका दो विंडो के साथ हो जाता है। एक विंडो इस साइड रहेगा और एक विंडो जो है इस साइड होने वाला है। इसके साथ अटैच वॉशरूम में आपको मिलने वाला है और ये स्पेस हो जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो इसका यूटिलाइज वार्डरोब के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे वार्डरोब लगा सकते हैं और किसी भी तरीके से इस स्पेस का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
और इसका जो साइज है बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा बेडरूम होने वाला है। तो ये मास्टर बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके साथ अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है इस साइड। तो ये देखिए वॉशरूम जैसा देख रहे हैं हूबहू ऐसा मिलने वाला है, जो कि फिटिंग्स वगैरह नीचे का टाइल्स रहेगा नॉन स्कीपेबल, आपका जो फिटिंग्स वगैरह रहेगा वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रीमियम क्वालिटी का फिटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसके ठीक सामने भी एक बेडरूम है, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से होने वाला है। तो इसका भी सेम टू सेम डिज़ाइन है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये देखिए ये दो विंडो फिर अगेन इधर है एक इधर है, और एसी का पॉइंट आपको जितना हर रूम में चाहिए एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये आपका ड्रेसिंग स्पेस है, तो जो उस रूम में एक स्पेस था आप चाहे तो उसको वार्डरोब के लिए स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ड्रेसिंग स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो आपको जितना भी फिटिंग्स वगैरह देख रहे हैं नीचे नॉन स्किपेबल टाइल्स है और बाकी का जो है फिटिंग्स वगैरह है वो सब आपको लग्जरियस और प्रीमियम आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, आपको बैल्कनी दिखाना चाहते हैं, इधर भी दो बैल्कनी होता है, तो एक बैल्कनी उस साइड है जो कि शुरू में आपको दिखाया था और एक बैल्कनी इस साइड हो जाता है कि आराम से आप स्लाइडर ओपन करके और बाहर का व्यू आराम से इंजॉय कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है स्लाइडर ओपन करने के बाद। आप चाहे तो कुछ सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ कर सकते हैं और बैठने के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बैठा जा सकता है। तो ये था फाइनली 4 BHK का टूर जो कि कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे अभी तो इनकम्प्लीट है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यदि आपका इंटीरियर हो जाएगा इसका लुक बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। कभी आपने 3 BHK देखा होगा मेरा, तो 3 BHK जब इंटीरियर हो जाता है तो बहुत ही शानदार लुक दिखता है, ये डुप्लेक्स जैसा बदल जाएगा यदि आपका इंटीरियर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन है। फिर उसके बाद यदि आपको ये लगता है कि आपको लेना चाहिए, साइट विजिट करना चाहिए, उसके लिए आप कांटेक्ट कहाँ करेंगे, तो हमारे नंबर जो है डिस्प्ले के ऊपर ही रहता है, हमारी टीम को कॉल कीजिए और इस जगह पे साइट विजिट कर सकते हैं। आप इसका प्राइसिंग पूछना चाहते हैं तो प्राइसिंग 10 या 5 करोड़ बिल्कुल नहीं होने वाला है, बहुत ही सस्ता होने वाला है, वो सिर्फ 3 करोड़ और 40 लाख के आसपास, 3 करोड़ 40 लाख के आसपास आपका ये 4 BHK आ जाएगा। ये छोटा वाला यूनिट का बात कर रहे हैं जो कि 2581 स्क्वायर फीट का जो है, 2581 स्क्वायर फीट का जो आपका 3 BHK है उसका जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है वो आपका 3 करोड़ 40 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आइए साइट विजिट कीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर आप यहाँ पर रहना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि न्यू टाउन में यदि आप कोलकाता में रहते हैं, सिटी ऑफ जॉय में रहते हैं, तो न्यू टाउन से बढ़िया जगह कहीं नहीं हो सकता है। आइए विजिट कीजिए, साइट पे मिलते हैं आपसे।